कि कुछ ऐसे राबते उनसे शदीद हो गए हैं, कुछ ऐसे राबते उनसे शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं, कि हम मिले जो वक्त कभी उनके पास बैठा कर, मिले जो वक्त कभी उनके पास बैठा कर, जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए, जो वक्त कभी उनके पास बैठा कर, जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए हैं। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक बात अपने जहनों पर आप नक्श कर ले, और गोया के हर आने वाले खतीब की तरफ से मैं आपको एक बात कहकर के अपनी बात खत्म करता हूँ। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि नजर के कैमरे खाली हैं, तस्वीरों से क्या होगा, जुनू की आखिरी मंजिल है, ताबीरों से क्या होगा, और बड़ा गहरा ताल्लुक है अमल का साफ गोई से, अगर किरदार गिर भी हो तो तकरीरों से क्या होगा, अगर किरदार गिर भी हो तो तकरीरों से क्या होगा। गोया कि आप इस महफिल में आए हो तो ये जहन रखो कि अगर किसी की कोई बात अच्छी लगेगी तो उस पर अमल करेंगे। बगैर किसी ताखिर के मैं कारी सुल्हान वासिफ हबीबुररहमान खतीब अहले सुन्नत कारी मुश्ताक अहमद साहब क़िबला की बारगाह पुरवकार में अकीदतमंदाना रीज़ा पेश कर रहा हूँ कि हज़रत कुर्सी किताबत पर जलवा बार हों और अपनी नायाब किताब से हम सामईन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। आइए आने वाले मेहमान का इस्तकबाल कीजिए और जी लगा कर के सारा मजमा मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाए और बाबाज़े बुलंद बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मोहब्बत रसूल कान परस्त, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मैं पर कारी मुश्ताक साहब बुलबुल से बहर हाल नशे मन रसूल अता फरमाए। हमें कुछ नहीं सोचना है, इस वक्त कुछ नहीं देखना है, हमें किसी से लड़ना बढ़ना नहीं, किसी का नाम नहीं लेना, हमें अपने इस्लाम से काम है, हम इस्लाम के हैं, इस्लाम हमारा है और हम अपने रसूल के लिए बैठे हैं, हमें रसूल की बात करनी है, मोहब्बत की बात करनी है और इश्क रसूल मोहब्बत अगर जर्रे बराबर भी हमारे दिल में आ जाएगा तो बाबू नगर मुस्तफाबाद में बैठना आज का हमारा कामयाब हो जाएगा। लिहाजा थोड़ी सी देर में गुफ्तगू कर रहा हूं, अहमदहू व सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह, آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين كريم الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والتسليم ایک بار محبت سے درود شریف پڑھیں اللهم صل علی سيدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سات منٹ ہو گئے مجھے بولتے ہوئے حضرات تین منٹ کا ویسے ٹائم رہ گیا ہے کیونکہ دس منٹ دس پندرہ منٹ کے لیے بانی جیسا نے مجھ سے کہا تھا अब 15 मिनट अगर लगा ले तो 8 मिनट रह गए। अब ये बहुत जल्दी से मिनट कम हो रहे हैं, ये मिनट कम होते रहेंगे, हमें
इंशाअल्लाह। परवरदिगार आलम अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हमें सच्ची मोहब्बत अता फरमाए कि हम जिस हाल में भी हो, जहां भी हो, अपने रसूल को याद करते रहे, रसूल से मोहब्बत करते रहे। क्या ये जलसा करा लेना ही मुफ्ती साहब, आप क्या यही मोहब्बत का तकाजा है? जलसा करा लिया, मैं बहुत अच्छा लाए, मुफ्ती साहब को बुलाया, मिसबाही साहब को बुलाया, मौलाना तौफीक साहब जैसे अजीम डॉक्टर को बुलाया, नब्बाज़े कौम को, और ये ऐसे जबरदस्त नकीब को जो हिंदुस्तान में हलचल मचा दे, क्या हमारा यही मोहब्बत का तरीका है? क्या यही मोहब्बत के रसूल है? मेरे दोस्तों, हाँ, मोहब्बत में ये भी किया जाता है कि जिससे मोहब्बत होती है उसी की बात किया करता है दीवाना। कोई किसी की बात करता है, कोई किसी की बात करता है, अपने नबी की बात करते हैं। मैं इशारा करता हूं बहुत अपने चंद बातों के दरमियान में, अशार से बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। वो अजमल सुल्तानपुरी कहते हैं कि आज फजा भी है मौसम भी मौसम ही की बात करें, आज घटा भी है मौसम भी मौसम ही की बात करें, आओ पढ़े वल्लैल की सूरत जुल्फ नबी की बात करें, आओ पढ़े वल्लैल की सूरत जुल्फ नबी की बात करें। लेकिन नक्ते में कहते हैं कि बदन में मोहब्बत सोनी सी है, देख अजमल छेड़ो नाते नबी, बदन में मोहब्बत सोनी सी है, अजमल छेड़ो नाते नबी, जिंदा दिलों में हम जिंदा दिल जिंदा दिली की बात करें, जिंदा दिलों में हम जिंदा दिली की बात करें। अल्लाह ताला कुरान में चार बताता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहबिबकुम अल्लाह। ये हम खामोश हो गए, हमें बेदार किया जा रहा है, कचों के लगा लगा के हमें बेदार किया जा रहा है। तुम नबी की मोहब्बत जैसा नबी की मोहब्बत करने का हक है ऐसा हक नहीं निभा रहे, इसलिए हमें बेदार किया जा रहा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे नबी आप फरमा दीजिए जो अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, अल्लाह को मनाना चाहते हैं, मेरी इत्तबा करो तो अल्लाह ताला तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। मालूम ये हुआ प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना यही ईमान की दलील भी है और यही अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब का जरिया भी है। बहुत सारी बातें जहन में आ रही है मेरे, लेकिन क्योंकि वक्त अपनी इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि मामला परमिशन का भी है, 11 मिनट हो गए, 15 मिनट से आगे बढ़ना नहीं है मुझे हजरात। हम अल्लाह से मोहब्बत करें, नमाजें पढ़ रहे हैं अल्लाह से मोहब्बत की वजह से, सजदे कर रहे हैं कि अल्लाह राजी हो जाए, हज कर रहे हैं कि अल्लाह राजी हो जाए, और ये बकरे खरीदे जा रहे हैं कुर्बानी कर रहे हैं कि अल्लाह राजी हो जाए, इबादत की जा रही है अल्लाह राजी हो जाए, बंदगी की जा रही है कि अल्लाह राजी हो जाए, और अल्लाह ताला का हुक्म भी है और अल्लाह ताला ने जिंदगी हमें बंदगी के लिए ही अता फरमाई है। कहने वाला कहता है कि जिंदगी आमद बराए बंदगी,
शर्मिंदगी। बात समझ में आ रही है? बहुत समझदार है आप हजरात। अल्लाह ताला और ज्यादा समझ अता फरमाए। जब तक हम बंदगी नहीं करेंगे मकसद जिंदगी पूरा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। परवरदिगार फरमाता है और हमने जिन और इंसान इतने ही लिए पैदा किए कि वो हमारी बंदगी करें। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है, बंदगी करें। और मौलाना इल्मी साहब मोहम्मद हुसैन इल्मी बरेलवी फरमाते हैं अपने खुतबाए इल्मी में, फरमाते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताकत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। बात टकरा गई, वजाहत करने का वक्त तो नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों और अजीजों बंदगी जरूरी है और उस जरूरी काम को हम इस वक्त छोड़े हुए हैं। नमाजों की पाबंदी नहीं कर रहे हैं, मस्जिदों से करीब नहीं हो रहे हैं, नौबत यहां नहीं के मस्जिदें बंद होने की कगार पे आ गया। अगर हम नमाजी होते हमारी नमाजों में आहोदारी होती, खुशू खुदू होता, खुदा की कसम हम अल्लाह के लिए सजदा झुकाते, अल्लाह के लिए सर को झुकाते और सर उठाने से पहले अल्लाह हम पर रहमतें फरमा देता। कमी है उससे मोहब्बत का टारगेट हम लेने के लिए जलसे करा के पूरा करना चाहते हैं। मेरे दोस्तों और अजीजों, मोहब्बत रसूल बहुत जरूरी है, याद रखें। हम इबादत कर रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए, हम कुर्बानियां दे रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए, आज काबे का तवाफ हो रहा है अल्लाह की रजा के लिए, कोई नेकी की जा रही है अल्लाह की रजा के लिए, दिखावे के लिए भी करते हैं लोग, दिखावे के लिए भी करते हैं। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे ऐसे दिखावे से, दिखावे करने वालों से। लेकिन मेरे दोस्तों और अजीजों, मैं कहना ही चाहता हूं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जब तक हम नहीं करेंगे अल्लाह ताला राजी नहीं होगा। ये इबादतें, रियाजतें, सजदे और ये बंदगी, ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। और अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, ए नबी, ऐ मेरे रसूल, ऐ मदीने वाले, आप इन लोगों से कह दीजिए जो सजदे में पड़े रहते हैं, सिसियां लेते हैं, अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, ये देर देर तक के सजदे करके अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, इनसे कह दीजिए ऐ मेरे गुलामों, तुम मेरी इत्तबा कर लोगे तो अल्लाह ताला तुमसे राजी हो जाएगा, इतना राजी हो जाएगा कि युहिब्बुकुम अल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, महबूब बन जाए सहाबा इकराम, महबूब बन जाए औलिया इकराम। इसीलिए तो कि उन्होंने रसूल की इताअत की, रसूल की इताअत वही करेगा जिसे मोहब्बत होगी रसूल से। मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस में आने वाले हजरात, ये बात याद रखें कि मोहब्बत सिर्फ जलसा कर लेने का नाम नहीं है, मोहब्बत रसूल के फरमान पर अमल करने का नाम है। पांच वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने का नाम मोहब्बत रसूल है, साहिब इंसाफ है तो कुर्बानी करने का नाम मोहब्बत रसूल है, अगर इस्तेआत रखता है तो हज करने का नाम मोहब्बत रसूल है। जिसे मोहब्बत होगी रसूल से वही इबादत करेगा, बंदगी करेगा, और जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रसूल की मोहब्बत लेकर के जाएगा तो खुदा की कसम सजदे जब ही कबूल होते हैं जब मोहब्बत रसूल होती है।
राजलाबादी इसीलिए तो कहते हैं कि उसके लाख सजदे भी काम आ नहीं सकते, उसके लाख सजदे भी काम आ नहीं सकते। और उल्फते मोहम्मद से कल्ब जिसका खाली है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए मेरे महबूब इनसे कह दीजिए जो अल्लाह से करना चाहते हैं फतबेउ मेरी इत्तबा करो तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत भी करेगा बल्कि तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार अपने प्यारे महबूब की मोहब्बत हमें ज्यादा से ज्यादा अता फरमाए, नमाज़े पंजगाना पांचवात अदा करने की आदत और सआदत अता फरमाए, उलमाए कराम की इज्जत और तौकीर करने की तौफीक अता फरमाए, और हालात जैसे भी हो उन हालात में अपने रसूल से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहे सैयदुल मुरसलीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।